हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपको अपने चैनल केडो केयर में। मैं डॉक्टर अनुराग, उम्मीद करता हूं आप लोग सभी कुशल मंगल से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे प्रैक्टिस में देखा गया है, मॉर्निंग में अगर आपने बच्चे को देखा है वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस लेकर आते हुए, थोड़े से डिहाइड्रेशन में बच्चे आपको मिलते हैं, आप उनके पेरेंट्स को ORS एडवाइस करते हो। ऑफकोर्स वो ORS देते तो ज़रूर हैं बच्चे को, लेकिन शाम में अगर आपने फिर से फॉलोअप पे बुलाया है बच्चे को, तो कहीं ना कहीं या तो वो बच्चे आपको डिहाइड्रेशन में मिलते हैं, कुछ बच्चे तो ओवर हाइड्रेटेड कंडीशन में मिलते हैं, एंड कुछ बच्चों में तो हाइपर नैट्रेमिक डिहाइड्रेशन मिल जाता है। वैसे ये हाइपर नैट्रेमिक डिहाइड्रेशन को जानने के लिए हमारा ये प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, मैंने बहुत क्लियरली बताया है हाइपर नैट्रेमिक डिहाइड्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, एंड ORS कैसे रिस्पॉन्सिबल है हाइपर नैट्रेमिक डिहाइड्रेशन के लिए। अब रह गई बात कि आखिर ये सब कंडीशंस क्यों देखने को मिलता है आज के डेट में, अगर आपने अच्छे से समझाया भी है तो ये इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ORS बनाने का तरीका फॉल्टी हो जाता है, गलत हो जाता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो के जरिए यही बताने जा रहा हूँ कि आखिर ORS को करेक्टली कैसे प्रिपेयर किया जाए, आखिर वो क्या मेथड है जिससे आप करेक्ट ORS प्रिपेयर करेंगे तो आपका बच्चा किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसेगा, ना ही उसे इन्फेक्शन का डर होगा, ना ही ओवर हाइड्रेशन का डर होगा, ना ही वो बेबी डिहाइड्रेशन में मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको भी वन बाई वन क्लियर कट 100% नॉलेज हो सके। एंड न्यू व्यूअर्स को हर बार की तरह मैं बोलूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इनको भी न्यू अपडेट्स मिलता रहे टाइम टू टाइम। आपके टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं इस सेशन में, इस वीडियो में ये कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ कि ORS का क्या इफ़ेक्ट्स है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, कैसे ORS को देना है, क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है। आज मैं केवल और केवल आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे ORS को प्रिपेयर करें। ORS का पाउच शाशे आप खरीद कर ले तो आए हो केमिस्ट से, हाँ एक बात इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं ज़रूर बताऊं कि कौन सा पाउच आपको खरीद कर लाना है, कौन सा ORS आपको खरीदना है, क्योंकि मार्केट फ्लडेड है ORS से, डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ ORS अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन आपके बच्चे को कौन सा ORS सूट करेगा ये जानने के लिए हमारे ये पुराना वाला वीडियो ज़रूर देखें, आपको टोटल जानकारी इसमें मिल जाती है कि कौन सा ORS आपको परचेज करना है। ओके, आप परचेज कर ले आए हो घर में, तो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप की। तो स्टेप नंबर वन, हैंड वॉश। यस, स्टेप नंबर वन में आता है हैंड वॉश। अगर आप अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश नहीं करते हो तो जर्म्स का ट्रांसमिशन होने का डर होता है, एंड ये एक इन्फेक्शन का रूप ले सकता है अगर ये जर्म वाला आप ORS बच्चे को पिलाओगे तो। एंड हैंड वॉश के 6 स्टेप्स होते हैं प्रॉपर, करेक्ट। इन करेक्ट 6 स्टेप्स को जानने के लिए हमारी ये प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से हैंड वॉश करना है, एंड कौन सा सोप या कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करना है, कितने मिनट्स के लिए, कितने सेकंड्स के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि कैसे हैंड वॉश करें, इसके लिए हमारा पुराना वाला वीडियो सफिशेंट है। नेक्स्ट स्टेप आता है सेकेंड स्टेप, जिसमें आपको 1 लीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 1 लीटर पानी क्या है, तो ये 1 लीटर पानी बॉइल्ड वाटर है जिसे कम से कम आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया गया है। बॉइल्ड वाटर कहने का मतलब होता है कि आपको वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करना है, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप कम तक बॉयल कर छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं कुछ कीटाणु के अंश रह ही जाएंगे आपके पानी में, और ये फिर से इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा आपके बच्चे में। तो हमें चाहिए ये वाटर कम्प्लीटली जर्म फ्री हो, कम्प्लीटली बैक्टीरिया फ्री हो, जिसके लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करना होता है वाटर को। आधे घंटे के लिए शेल्फ पे आप छोड़ दें अनटस्ट, ताकि धीरे 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 वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। स्टेप नंबर 3, अब आपको अच्छे से एक सॉल्यूशन बनाना है, तो इस 1 लीटर पानी को बड़े से बर्तन में पहले डाल लें, डालने के बाद पाउच को जो कि 20.5 ग्राम का है, मैं बार बार रिपीटेडली आपको कह रहा हूँ 20.5 ग्राम का लो ऑस्मोलैरिटी ORS है, या इसको रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी ORS भी कहा जाता है, इसको आपको डालना है यूटेंसिल में। स्टेप नंबर 4, इसको यूनिफॉर्मली स्टेयर करना है ताकि एक भी पार्टिकल सस्पेंड ना करे। सस्पेंडेड पार्टिकल का मतलब है कि जब आप हिला रहे हो पानी को तो पार्टिकल्स ऊपर में तैर रहा है, लेकिन जब आप छोड़ दे रहे हो तो ये फिर सेडिमेंट की तरह नीचे की ओर बैठ जा रहा है,
तो सेडिमेंटेशन नहीं होना चाहिए, आपको यूनिफॉर्मली स्टर करना है ताकि यूनिफॉर्मली इसका घोल बन सके। अब इसके बाद इसको किसी अच्छे साफ सुथरे यूटेंसिल में स्टोर कर रख लेना है। तो यही है प्रॉपर 4 स्टेप्स कैसे ORH को बनाया जाए। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो कभी भी आपके बेबी में कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि इस तरीके से बनाया गया ORS ना ही कंसंट्रेटेड होता है एंड ना ही डाइल्यूटेड होता है। ये WHO ने जो बोला है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन जो तैयार किया है, ये जस्ट WHO का बोला हुआ एक गाइडलाइंस है, इसे ही हमें फॉलो करना है। इससे न बेबी आपका डिहाइड्रेशन में जाएगा एंड ना ही आपके बेबी में ओवर हाइड्रेशन मिलेगा। रह गई बात, इस बनाने की प्रक्रिया से कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हर बार की तरह आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।